एक नेता जो मजाक उड़ाता था दूसरों का और सबसे ज्यादा खुद का, खुद को गोलू पोलू कहता था। एक नेता जिसका उसके संसदीय क्षेत्र से ऐसा नाता था कि जब दंगों के चलते उस इलाके का जिक्र आया तो किसी ने ठीक ही कहा, वो इलाका तो हसोड़ के लिए जाना जाता था, आज रुला रहा है। एक नेता जिससे प्रधानमंत्री खौफ खाते थे क्योंकि वो सत्य बोलने से नहीं चूकता था और जो दावा करता था कि मेरे जासूस सब तरफ हैं। एक नेता जिसे ये भी पता होता था कि दूर दूसरे छोर पर बैठी प्रधानमंत्री कागजों पर झुकी क्या कलम चला रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से, जिसमें आज बात लोकसभा के और कुछ समय के लिए राज्यसभा के भी, कुछ समय क्या बल्कि एक टर्म के लिए राज्यसभा के भी सांसद रहे पीलू मोदी की, सबसे हसोड़ मोदी जिसकी नजर और समझ पैनी थी, जो हंसता था खुद पर, दूसरों पर और किसी को नहीं बख्शता था। पीलू मोदी की जिंदा दिली के आपको 10 किस्से सुनाएंगे, पर पहले कुछ बुनियादी बातें जान लीजिए। पीलू मोदी जिनका बर्थडे साझा होता था नेहरू के साथ, अर्थात 14 नवंबर, साल था 1926, पैदाइश का जगह मुंबई। पीलू के पिता प्रतिष्ठित पारसी परिवार से आते थे, सर होमी मोदी, कारोबारी भी थे और गांधीवादी भी। अंग्रेजों के जमाने में विधायक रहे, फिर संविधान सभा बनी तो उसके सदस्य रहे और उसके बाद यूपी के राज्यपाल, पहले राज्यपाल। आप कहेंगे सौरभ द्विवेदी का जीके गड़बड़ है, यूपी की पहली राज्यपाल तो सरोजनी नायडू थी। मैं कहूंगा नाम का फेर है, सरोजनी नायडू यूनाइटेड प्रोविंस की पहली राज्यपाल थी, यूपी 1950 में बना और तब इसके गवर्नर थे होमी मोदी। 1952 तक वो इस पद पर रहे। होमी मोदी के तीन बच्चे, दो बहुत मशहूर हुए, रूसी और पीलू मोदी। ये पीलू मोदी की कहानी है। इससे पहले कि मैं आपको पीलू की सियासत के किस्से बताऊं, उनके स्कूल के दिनों का एक जिक्र, एक नाता जान लीजिए। उनकी स्कूली पढ़ाई बंबई के कैथेड्रल बॉयज स्कूल में हुई और यहां उनके क्लासमेट थे जूनागढ़ रियासत के दीवान शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो। वही जुल्फिकार जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वही जुल्फिकार जिन्हें जनरल जियाउल हक ने फांसी दे दी, वही जुल्फिकार जिनकी बेटी बेनजीर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। पीलू और जुल्फी पक्के दोस्त थे, इतने पक्के कि बाद के दिनों में पीलू ने एक किताब भी लिखी जुल्फिकार पर, जिसका शीर्षक था जुल्फी माय फ्रेंड। सिर्फ जुल्फिकार ही नेता नहीं बने, पीलू भी इस लाइन में आए पिता की तरह। ट्रेन में कारसेवकों को जलाने के बाद देश की तारीख में गाढ़ी स्याही से जो जगह दर्ज हो चुकी है, गुजरात का गोधरा, पीलू मोदी वहां से दो मर्तबा सांसद रहे। पर नेतागिरी से पहले पीलू आर्किटेक्ट थे, अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की। दिल्ली का ओबराय होटल अगर देखें तो पीलू मोदी को याद करें, इसका डिजाइन पीलू का ही बनाया हुआ है। हमने पीलू की सांसदी का जिक्र किया गोधरा से, तो सवाल उठता है कि किस पार्टी से, और जवाब है स्वतंत्र पार्टी से, जिसका अब अस्तित्व नहीं है। 1960 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर रहे राजगोपालाचारी ने इस पार्टी का गठन किया था और पीलू इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। आपने जयपुर की महारानी गायत्री देवी के किस्से सुने होंगे, वो इसी पार्टी के टिकट से जयपुर से सांसद बनी थी। स्वतंत्र पार्टी बाजारवाद और खुलेपन की समर्थक थी, सरकारी नियंत्रण के उलट। इसे पूर्व रजवाड़ों कारोबारियों का खूब समर्थन हासिल था और इसीलिए इसे कई बार पूंजीपतियों की पार्टी भी कहा जाता था। और इसी के टिकट पर पीलू नई बनी गोधरा लोकसभा से 1967 और 1971 के चुनाव में संसद पहुंचे। 1978 में वो जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 14 साल के लगभग उनका संसदीय जीवन रहा और इस दौरान उन्होंने अपने व्यंग से संसद को खूब समृद्ध किया। आज मैं आपको पीलू मोदी के किस्से सुनाऊंगा, कुल 10 किस्से, जिन्हें हमने आपकी सहूलियत के लिए दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से में 5 किस्से सुनाए देंगे और दूसरे हिस्से में भी 5 किस्से। पहला किस्सा, जब पीलू ने कहा, और आज भी ये राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है,
कि रेखना बंद करो। कौन रेखता है? गधा रेखता है। ये तो आपत्तिजनक बात हो गई, तो फिर राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज कैसे है? मजेदार किस्सा है। राज्यसभा चल रही थी, साल था 1980 का। पीलू किसी विषय पर बोल रहे थे। ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठे थे कांग्रेस के सांसद जेसी जैन। जैन की आदत थी, पीलू जब भी भाषण देते तो वो टोका टाकी करते। इस बार भी उन्होंने किया। पीलू ताव में आ गए, बोले अंग्रेजी में, स्टॉप बार्किंग, यानी कि भौंकना बंद करो। ये सुनते ही जैन ने आसमान सर पर उठा लिया। वो चिल्लाए, सभापति महोदय, ये मुझे कुत्ता कह रहे हैं, ये संसदीय भाषा है। सभापति की कुर्सी पर कौन बैठा था? देश के उपराष्ट्रपति, जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, हिदायतुल्ला साहब। उन्होंने आदेश दिया, पीलू मोदी ने जो कुछ भी कहा है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जैन मुस्कुराए, फिर कुछ बुदबुदाए, लेकिन पीलू कम नहीं थे। इस बार वो खड़े हुए तो बोले, ऑलराइट देन, स्टॉप ब्रेइंग, यानी रेखना बंद करो। जैन को ब्रेइंग शब्द का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो चुप रहे और वो शब्द राज्यसभा की कार्रवाई के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। दूसरा किस्सा, मैं CIA का एजेंट हूं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी। कौन कह रहा था ये? सांसद कह रहा था, पीलू मोदी कह रहा था। दरअसल इंदिरा के राज में जब भी कोई कांग्रेस या सरकार का विरोध करता तो उसे फौरन जो सरकारी पिट्ठू थे वो अमेरिका का एजेंट करार देते। अब जाहिर है कि विरोध का काम, सवाल पूछने का काम सबसे ज्यादा विपक्ष करता था। स्वतंत्र पार्टी के पीलू मोदी अक्सर अपना धर्म निभाते और कांग्रेस उन्हें विदेशी ताकतों का एजेंट कह देता। ऐसे में एक दिन पीलू अपने गले में एक प्लेकार्ड यानी तख्ती लटकाकर संसद में पहुंच गए। क्या लिखा था तख्ती पर? I am a CIA agent। संसद के सेंट्रल हॉल में जब पीलू दाखिल हुए तो सब सांसद, सब पत्रकार उन्हें देखने लगे और ये अगले दिन की सुर्खी बना। तीसरा किस्सा, जब नरेंद्र मोदी से भी दशकों पहले पीलू मोदी ने टॉयलेट यानी कि शौचालय की जरूरत पर जोर दिया था। ये 70 के दशक के बीतने का वक्त है। तब तक पीलू को समझ आ गया था कि स्वतंत्र पार्टी के दिन पूरे हो गए। उन्होंने विपक्षी एकता के नाम पर चौधरी चरण सिंह की लोकदल में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। उसके बाद एक रोज चौधरी साहब के बंगले पर गुफ्तगू हो रही थी गांव की जरूरतों के बारे में। चौधरी चरण सिंह फसल, ट्रैक्टर, यूरिया और सिंचाई की बात करने लगे, लेकिन पीलू बोले, हमें गांव में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शौचालय बनाने चाहिए। चौधरी हंसने लगे, बोले, मोदी साहब आप भी क्या बात ले आए। तब पीलू ने कहा, चौधरी साहब आप गांव में पले बढ़े जरूर हैं, लेकिन आपने एक बात पे गौर नहीं किया, पब्लिक टॉयलेट्स के अभाव में भारत की गरीब महिलाओं की शारीरिक बनावट में अंतर आ रहा है, ये उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तब चौधरी चरण सिंह को लगा, ये तो गंभीर किस्म का आदमी है। फिर चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने 1979 में, तब भी पीलू के तेवर अपने नेता के प्रति नहीं बदले, वो साफ गोई बरतते रहे। एक बार बहस हो रही थी चौधरी साहब से तो वो बोल दिए, आपके लिए तो हिंदुस्तान झांसी तक ही है, इसके आगे तो आपको पता ही नहीं। क्यों कहा ऐसा? चौधरी चरण सिंह उत्तर भारत की किसानों की राजनीति करते थे और दक्षिण में उनका दखल कम था, इस वजह से ये बयान दिया गया। चौथा किस्सा, जब पीलू बोले, मैं परमानेंट PM और आप टेम्परेरी। क्यों बोले? ये इंदिरा गांधी और पीलू मोदी का साझा किस्सा है। दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन निजी जीवन में मित्रवत थे। इंदिरा संसद में दिए पीलू मोदी के किसी भाषण को मिस नहीं करती और अक्सर पीलू की स्पीच के बाद वो नोट भी भेजती जिसमें तारीफ लिखी होती। जाहिर है कि पीलू भी इसका जवाब देते और PM को भेजी जवाबी स्लिप के आखिरी में क्या लिखते? PM क्यों? PM तो इंदिरा जी थी, क्योंकि ये पीलू मोदी का भी शॉर्ट फॉर्म था। पीलू कई बार इंदिरा के सामने कहते, I am a permanent PM, you are only temporary PM। और इंदिरा ये सुन मुस्कुरा देती। पांचवा किस्सा, जब पीलू ने इसी मित्रवत नेता यानी इंदिरा से मिलने से इनकार कर दिया। 1969 का दौर, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस बट गई। इंदिरा ने अलग पार्टी कांग्रेस R बना ली। R मतलब रूलिंग। कांग्रेस के जो सांसद सिंडिकेट के खेमे में चले गए उनकी भरपाई कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों के समर्थन से हुई। इंदिरा PM बनी रही। ये वो दौर था जब इंदिरा को कई पार्टियों में अपने लिए समर्थन जुटाने की जरूरत लग रही थी। इस दौरान वो पीलू को अक्सर बुलावा भेजती अपने दफ्तर में और बातचीत के दौरान खुद चाय बनाकर सर्व करती।
दो दफा तो पीलू बुलावे पर चले गए, लेकिन तीसरी बार संदेश आया तो इनकार कर दिया। कुछ रोज बाद संसद के गलियारों में पीलू इंदिरा के सामने पड़ गए। इंदिरा ने पूछा, आप आए क्यों नहीं? पीलू बोले, मैं जानबूझकर नहीं आया, आपका व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक है कि अगर तीसरी बार मिलता तो शायद आपको सपोर्ट कर देता। ये पीलू का व्यंग करने का और शिष्टता के साथ इनकार का तरीका था। इंदिरा मुस्कुरा दी और पीलू वो ठहाका मार के हंसने लगे। ये था पीलू मोदी पर हमारे पॉलिटिकल किस्से का पहला हिस्सा। अगले हिस्से में 5 और रोचक किस्से सुनाएंगे जो पीलू मोदी के अंत तक जाएंगे। देखते रहिए dlallantop.com।